नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जिस तरह से हम अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि इतनी सारी दिल की बीमारियां हमें आए दिन घेर लेती हैं। इन्हीं में से एक है एंजाइना। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एंजाइना और कैसे इससे बचा जा सकता है। एंजाइना एक ना हार्ट बीमारी का सिम्टम है। जैसे इसका क्लासिकल क्या होता है कि इंसान कहता है कि मैं चलता हूँ, जब मैं एग्जर्शन करता हूँ तो मेरे चेस्ट में पेन होता है, और वो पेन चेस्ट में भी हो सकता है, नेक तरफ जा सकता है, राइट आर्म में जा सकता है, नीचे एब्डोमेन की तरफ भी जा सकता है। तो जब वो चलता है, एक्सरसाइज करता है, तो ये डिस्कम्फर्ट आता है। अगर रुक जाता है तो डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाता है, या कुछ टैबलेट आती हैं सॉफ्ट, कभी वो लेते हैं जिनको बताया जाता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि इसे दैट्स व्हाट वी कॉल एंजाइना ऑन एफर्ट। इट इज़ ए फीचर ऑफ ए कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ब्लड की जो नाड़ियाँ हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, नॉर्मली वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, तो ब्लड नॉर्मल फ्लो करता है, पर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो जिसको हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, प्लाक बन जाते हैं, फैट डिपॉजिट होती है, तो उससे जो ल्यूमन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अब ये जो जंक फूड वाला कल्चर सा हो गया, उससे यू टेक लॉट ऑफ फैट। एंजाइना पेन का मतलब ये है कि आपके आर्टरीज में एक प्लेग डेवलप हो जाता है, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल का रेसिड्यू फॉर्म होना शुरू हो जाता है। जितना आप जंक खाओगे आप उसको उतना ही क्लॉक करते जाओगे आर्टरीज को, और उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट में घुसना कम होता जाएगा। तो आप जितनी भी शुद्ध चीज़ें खाओगे, या तो आप एक वीक में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन का नियम बना लो, या हफ्ते में एक बार आप सिर्फ फल और नारियल पानी लो, आप ओमेगा 3 फैट्स इम्प्रूव करिए अपनी डाइट में, जो कि फिश में मिलता है, उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, नट्स ले सकते हैं, आप एवोकैडो डिप्स बना सकते हैं वेजिटेरियंस लोगों के लिए, हमस भी जिसमें ऑलिव ऑयल मिला होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ओमेगा 3 फैक्टर। आप हल्दी का प्रयोग डेली करिए, जो अपने हिंदुस्तानी खाने में प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। गार्लिक बहुत ही अच्छा हेल्दी हार्ट का मैजिक पोषण है। इसे 2 कली गार्लिक या अपने खाने में जो हम गार्लिक यूज़ करते हैं उसे हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करें, अदरक हम यूज़ करें। तो कोशिश करो जंक फूड एक नियम से हफ्ते में एक बार खाओ, बाकी आप हेल्दी खाने की तरफ ज़्यादा फोकस करें। और आइए अब हमारी योगा एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या होता है त्रिकोण आसन और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम त्रिकोण आसन सीखेंगे। त्रिकोण माने ट्रायंगल पोज। इस पोस्चर से क्या क्या फायदे हैं? त्रिकोण आसन आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के पूरे मसल्स को, आपको ज़्यादा टोनिंग देता है। जिनको वेट रिड्यूस करना है उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। तो कैसे करना है आसन अब हम देखते हैं। पहले आप अपने पैरों को इकट्ठा रखते हुए समस्थिति में इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को जितना दूर तक लेके जा सके कंफर्टेबली उसको लेके जाएंगे। ये चीज़ देखनी है कि वो एक लाइन में हो, आपकी हील्स एक लाइन में हो, आपके टोज एक लाइन में हो। कई बार इस पोस्चर में कुछ लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उनकी नी में दर्द रहे, तो हम ये फर्स्ट स्टेज में ये पोस्चर करेंगे त्रिकोण आसन, हम एडवांस स्टेज नहीं करेंगे आज। यहाँ पे आप अपना नी थोड़ा सा बेंड करेंगे और अपने बाजू हैं, आर्म्स हैं, उनको स्प्रेड आउट करिए। फिर अपनी बॉडी को राइट की तरफ लेके जाते हुए वेस्ट से अपना हाथ अपने नीज पे लाइए और अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको ऊपर लेके आइए। यहाँ से अगर आप कोशिश कर सके तो अपना राइट हैंड अपने एंकल तक या ज़मीन तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका नेक स्ट्रेन हो रहा है तो नेक नीचे की तरफ ले आए, और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लाएं और
रिलीज कर दीजिए। और हम इसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी ये पोस्चर करेंगे और उसके बाद हम सेंटर में अपने दोनों पैर फर्स्ट पोजीशन पे वापस ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। गर्मियों का मौसम है और आजकल पसीना भी ज्यादा आता है, तो कुछ लोगों में बॉडी ओडर की शिकायत हो जाती है। चलिए जानते हैं कुछ टिप्स हमारी एक्सपर्ट से। नमस्कार। गर्मियों में अक्सर बोथ लेडीज एंड जेंट्स को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो है बॉडी ओडर। बॉडी ओडर के लिए या तो आप टैल्कम पाउडर्स, परफ्यूम्स या केमिकल डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं एक नेचुरल डिओ बताने जा रही हूँ जिसको आप एक बॉडी स्प्लैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे आपके बॉडी की जो परस्पिरेशन की स्मेल है वो कम हो जाएगी। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है: बोरैक्स, नींबू, फिटकरी और पानी। इसमें हमने सबसे पहले बोरैक्स पाउडर आप ले लीजिए तकरीबन 1 चम्मच और थोड़ी सी फिटकरी, इसको आप कूट लें। कूटने के बाद इसमें आप पानी डालेंगे और धीरे धीरे स्टर करेंगे। ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा वाइट मिल्की लिक्विड बन गया है और इसमें हम ऊपर से डालेंगे नींबू का रस। ये आप देख रहे हैं कि हम लेमन जूस इसमें हम निचोड़ेंगे, इसको स्टर कर लें और बहुत ही बढ़िया खुशबू है इसकी। इसको आप एक स्प्रे की बॉटल में डालें और जो आपके बहुत स्वेटी एरियाज हैं जैसे अंडर आर्म्स हैं, नेक है, उस पर आप स्प्रिट्स कर लीजिए और ये आपका एक नेचुरल बॉडी डिओ बहुत ही आसानी से आपने घर पे बनाया। आज का हमारा वर्कआउट एक लोअर बॉडी वर्कआउट है जो हम मैट पे करेंगे, तो आइए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। इस तरह से हम ऑल फोर्स पे आएंगे, आपके पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे रहने चाहिए और आपके जो नीज हैं वो हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। इस तरह से हम एक लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे, नीचे की ओर लेके आइए पर उसे रेस्ट पोजिशन में मत लेके आना। कोशिश करके इसे 45 सेकंड्स तक करना है। स्विच द साइड। इसी एक्सरसाइज का चैलेंजिंग फॉर्म है जो मैं अब करके दिखाऊंगी। ऊपर लाने के बाद अपनी नी को बाहर की ओर किक आउट कीजिए। नी को जर्क नहीं करना है, जेंटली करना है। लेट्स रिपीट ऑन द अदर साइड। इन दोनों एक्सरसाइजेस को 45 सेकंड्स के लिए करना है। इसे करके देखिए और मुझे फर्क बताइए। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए #fitrahe। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।